हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फिरोजाबाद का एक नया ब्रिज दिखाने वाला हूं, जो कि रेलवे स्टेशन के पास कॉलोनी फाटक के लिए बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा पुल घूमकर दिखाता हूं। दोस्तों ये है फिरोजाबाद का नया रेलवे कॉलोनी ओवर ब्रिज, काफ़ी सुंदर और बेमिसाल है। लेवर कॉलोनी रेलवे फाटक पर अब इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि रेलवे ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और ये काफ़ी सुंदर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं अभी इस पुल का वीडियो बाइक पर मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर देखने में। आप लोग देख सकते हो जगह जगह पर लोग खड़े हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं और पुल पर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर देखने में। और अभी साफ़ सफाई है और पुल पर ऊपर आप लोग देख सकते हो लाइट भी लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये पुल, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है मुझे यहाँ से। कई बार ट्रेनों के लगातार आगमन के चक्कर में आधे से पौन घंटे तक फाटक नहीं खुलता था, जिससे सैकड़ों वाहन और लोग फंसे रहते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए 2016 में यहाँ ओवर ब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दी गई और आप लोग देख सकते हो पुल बनकर तैयार हो चुका है। पुल के दोनों तरफ जालियाँ भी लगी हुई हैं करीब 6-6 फीट की और काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है दोस्तों मुझे यहाँ से। आप लोग देख सकते हो खूब खूबसूरत पुल बना हुआ है ये और ये लंबे समय से बना था, करीब 2017 से बनकर अब ये 2021 में बनकर तैयार हो गया और अब ये पुल चालू है। और आप लोग देख सकते हो ये सामने जो है फिरोजाबाद का रेलवे स्टेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर बाइक चला रहा हूँ मैं, अभी बाइक से वीडियो शूट कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी आनंद मिल रहा है यहाँ पर घूमने में, अच्छा लग रहा है। पहली बार जब किसी नई जगह पर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही मुझे इस पुल पर भी लग रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से ये पुल शुरू है, मतलब यहाँ तक ही है बस ये पुल। और ये आप लोग देख रहे हैं ये फिरोजाबाद का रेलवे स्टेशन है, जिसकी हालत आप लोग देख सकते हो कैसी है। अब पुल के ऊपर से देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टेशन से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है फिरोजाबाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों मुझे यहाँ पर नए नए पुल पर घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से ऊंचाई से देखने में। आप लोग देख सकते हो मैं पुल पर फिर से घूम रहा हूँ, पुल के दोनों तरफ 6-6 फीट ऊंची जाली लगाई गई है, पुल अच्छा बना है, इससे कॉलोनी का नज़ारा रोमांचित दिख रहा है और लोग अभी से पुल पर घूमने लगे हैं। इसके चालू होने के कारण लोगों को बहुत राहत मिली है, अब रेलवे फाटक पर इमरजेंसी सेवाओं में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं होगा। शाम के समय में लेवर कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र के लोग टहलने के लिए इस पुल पर आते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ दोस्तों ये पुल करीब 743 मीटर लंबा पुल है, 2017 में इसका शुरू हुआ था और 2021 में पुल बनकर तैयार हो चुका है। अब ये पुल चालू भी है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों मुझे यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने में दोस्तों। ये दीनदयाल उपाध्याय योगी पार्क बना हुआ है यहाँ पर, इसी के सामने इस पुल का ख़त्म हो जाता है, मतलब पुल का रास्ता बस यहीं तक बना है। ये दीनदयाल पार्क है बगल में और आप लोग देख सकते हो मैं अभी इस पर अपना बाइक चलाकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे साथ में रोहित मेरा वीडियो बना रहा है और अभी वीडियो चल रहा है वो स्लो मोशन में चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है पुल पर घूमने में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है पुल तो अच्छा है। और यहाँ पर पेड़ आप लोग देख सकते हो अगल बगल में, पेड़ के कारण और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये पुल।
2017 में नगर विधायक मनीष ससीजा के प्रयासों से काम शुरू हुआ था यहाँ पर। अब ये पुल बनकर तैयार है, स्टेशन से चढ़िए और 2 मिनट में उतरिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।